हम आपको लेकर आए हैं रघुनाथ तीर्थ की धूनी पर और वहाँ के दर्शन कैसे में उन्होंने गणपति स्थापित की और ये जो अपन मंदिर में जा रहे हैं जब यहाँ रघुनाथ पीर जी जब प्रसाद देने लगे तब दरबार को मालूम पड़ा कैसा ढालू पीर कैसे है देखने जाना पड़ेगा बराबर। तो वहाँ से दो टूट दरबार हाथी और घोड़े की सेना लेके वहाँ से आए तो दादा रघुनाथ पीर जी को मालूम पड़ा कि अपने को पड़ा अपने मिलने आ रहे हैं तो अपने थोड़ा सामने चले जावे वो वहाँ से आ गए तो अपना थोड़ा सामने चले जावे बराबर। यहाँ से भी धनी फिर उस टाइम गाड़ी घोड़े थे नहीं धनी फिर दीवार को बोला संजय भाई चलो वो वहाँ से बदर तो अपने थोड़ा सामने चले जावे तो दीवार और मजदूर कारीगर सब साथ में ऊपर ही बैठे ऊपर दीवार पे निकले तो वहाँ से दूर दरवाजा सामने आया तो वो देखने लगे कि बोले मैं तो हाथी पहले ये सामने क्या आ रहे हैं तो धनी वो देख के धनी के फिर बनी जी वो हाथी से नीचे उतरे फिर धनी से नमस्कार किया बोले आप मेरे गुरु मैं आपका शिष्य तो वहाँ हाथी बांध के उनको चेला बनाया और आज ही जो दूर दरबार हमारे बारे में यहाँ हाजिर आती है वहाँ से नहीं आवे तो खंडरा सरकार से हाजिर आती है आज भी आती है किस तारीख को होता है या कोई तिथि है पांचम को ये फागुन महीने की पांचम को यहाँ पर मेला होता है और 11 को धनी यहाँ से वहाँ बाहर पधारते हैं आपकी रात सत्संग होती है और सुबह धनी 8 बजे यहाँ से ढालो से रहना होते हैं जल के जाने के लिए फिर हम साधड़ी जाते हैं और रात रहते हैं साधड़ी हमारा भजन भाव करते हैं फिर साधड़ी वाला हमको गांव से थोड़ा दूर हमको रवाना करते हैं फिर हम जाते हैं कांबा कांबे फिर वहाँ सत्संग करते हैं शाम को धनी वगैरह करते हैं फिर वहाँ से हमको गांव वाले कल जलगे रवाना करते हैं फिर बनाम जाते हैं सब पूजा वूजा सब बढ़िया नहा धो के फिर बांध उनके वहाँ पधारते हैं रात को 12 बजे अपना गंगा आती है बहुत बड़ी विशेषता है कि रात को गंगा एक उबाला भरते हैं जो कड़ा तपता है साधान तपता है और वो परंपरा को मान्यता से जो अनाज पकता है वो उस समय वो अपना आप वो जितना बारिश क्या होगा क्या पकेगा वो अपना अनुभव लग जाता है और एक छोटा मंदिर है लाल और सफ़ेद कपड़ा बांधते एक सिर का तो अपना आप वो लाल और सफ़ेद अपना आप लाल कटेगा औरतों में बाहर रहेगा सफ़ेद कटेगा तो आज भी बाहर रहेगा आज ऊपर से मौजूद है और बकरा भी बकरी बने बैरी पढ़ारी भे बने और हुकाम हरिया की था मैंने रघु पीवन आपका आपका एक बार दर्शक परिचय बताइए। मेरा नाम मैं करणवा का हूँ मेरे भैंसे हैं 3 गाय हैं 15 जमी हैं और गाड़ी घोड़े सब मेरे अच्छे बच्चे हैं मेरे शरीर में दर्द हो गया था पूरा शरीर में दवा लाई तो फर्क नहीं पड़ा फिर मेरे यहाँ एक शांतिनाथ जी मेरा गुरु भी था तो उन्होंने यहाँ में दोनों आए माजी पे तो उन्होंने क्या मालूम बना हम दोनों को बोला धनी को याद किया मेरा शरीर 3 दिन में एकदम मेरा शरीर टेंशन हो गया तो मैं घर पर जाता नहीं हूँ मैं यहाँ पे हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वरदाराम है। कितने सालों से हो आप? मैं 1.5 साल हो गई है यहाँ आने जाने 3 साल हुई 1.5 साल से बीच में थे। तो रघुनाथ पीर के अलग अलग पर्चे थे जिनको आप दर्शकों को हमने बताने की कोशिश की है। अगर रघुनाथ पीर से जुड़ी जो जानकारी है आपको अच्छी लगी हो तो यहाँ दर्शन के लिए जरूर आए और आपकी भी कोई मनोकामना हो रोग हो तो आप यहाँ पर सच्चे मन से अगर श्रद्धा और भक्ति करेंगे तो जरूर आपको भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एक ऐसा है कि जो रघुनाथ पीर दादाजी के एक बैल था उसको बोलते अपने सांड तो यहाँ गांव के 100 लोग थे कुछ पुराने जमाने के वो पिपला करके जावे उनके वहाँ पानी नहीं था तो 100 लोग यहाँ आए 4 भाई तो के दादा बोले हमारे पानी नहीं है हमारे गाय भैंसे छोटा परिवार है तो कुछ पानी बोले फिर दादा ने बोले भाई पानी तो हो जाएगा मगर आपके हमारे धराओ के गायों के लिए क्या दोगे तो 100 ने बोले आपके दादा आपकी एक पाकि गायों के लिए हमेशा के लिए भेंट करेंगे तो काफ़ी टाइम तक उन्होंने भेंट किया फिर पीछे होते होते हुए तो उन्होंने वो रखा तो उन्होंने पापा को बोला ये क्या है
ये अपने रघुनाथ जी को कैद ले दिया हुआ जो अपने ये नहीं काटने का, तो बोले नहीं देने का, बोले काटो, उनके धनी के दिया हुआ वो धान कम नहीं होता है, तो उनके गाड़ा भराना, तो वो फिर बोले कुछ दिन जीप उसने बटाल दिया, तो आज भी सोच करना पानी था, वो आज ये खाली एक अवाड़ा भरा था, पानी से गायब हो गया। ये पर्चा है, ये चौधरी ढालोप में है, पिपला करके जाओ है, आज भी सूखा पड़ा है, खाली अवाड़ा भरी था। नहीं मानने वालों के लिए और भगवान के जो दिखाए हुए राह पर नहीं चलते हैं तो उनके साथ में ऐसा ही होता है जैसा होना चाहिए। तो ये जो भी आपको जो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे मारवाड़ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।